तो चलिए पता करकर आते हैं कि क्या कह रहा है आज पांड्या स्टोर का कैलेंडर, क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज़ या फिर से कहानी में आया है एक नया ट्विस्ट। वैसे जो पांड्या स्टोर का कैलेंडर है ना, इसमें तो रोजाना है एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। तो क्या है यहाँ पर कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको सीधा पांड्या स्टोर। धरा हुई गिरफ्तार, ऋषिता की तड़प, श्वेता ऋषिता में झड़प। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में बुरी फंस गई है धरा। असल में धरा ऋषिता की बच्ची को लेकर पहुंच गई थी अपने पांड्या स्टोर बाबूजी की तस्वीर लेने के लिए, लेकिन वहां पर श्वेता ने चल दी अपनी चाल और उस पर लगा दिया चोरी का इल्जाम और साथ ही बुला लिया पुलिस को, जिसके चलते पुलिस ने कर लिया है धरा को गिरफ्तार। भाई धरा ने तो कोशिश भी बहुत की सच बताने की, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं और वो धरा को गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए। भाई श्वेता यहाँ तो कामयाब हो गई, लेकिन ये कामयाबी बहुत जल्द उसके गले का फंदा बनने वाली है। मैं तो मतलब सिर्फ धरा दी को सजा दे रही थी, अब वो क्या मतलब आप जब कुछ ऐसे कांड करने आते हो तो बच्चे को नहीं लाना चाहिए ना, क्या जरूरत थी उन्हें बच्चे को लेकर आने की, अब वो लेकर आई और चली गई छुटकी भी उनके साथ। धरा को जेल भेजकर श्वेता आराम से खुशी खुशी अपने श्वेता स्टोर में एंजॉय कर रही थी कि तभी वहाँ पर ऋषिता और देव भी पहुँच गए, क्योंकि ऋषिता को यकीन है कि उसकी बच्ची के साथ जरूर श्वेता ने कुछ गड़बड़ की है। ऐसे में वो गिड़गिड़ाकर श्वेता से अपनी बच्ची का ठिकाना पूछ रही है, जानने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि देव ने भी श्वेता के आगे हाथ जोड़ लिए, लेकिन श्वेता आराम से उनकी तड़प का मजा ले रही है। भाई श्वेता को माँ की शक्ति का अंदाजा नहीं, रिश्ता भले ही पहले बहुत गिड़गिड़ाई हो लेकिन उसके पूछने पे जब श्वेता ने नहीं बताया तो देखिए कैसे उसने अपना रौद्र रूप दिखाया, जिसके चलते श्वेता ने सारा सच बक दिया। तो मैं उसकी प्यार भरी बातों में नहीं आ रही हूँ, उसे लगा बताएगी अब बताएगी अब बताएगी, तो वो फाइनली मुझे थोड़ा सा मतलब डराने की कोशिश करती है, मिर्ची लेकर आती है और मिर्ची से तो मुझे बहुत डर लगता है ना, मैं खाती हूँ और ना ही मैं लगाती हूँ तो मैं मिर्ची देख के डर गई और मैंने उसको बता दिया सच कि हाँ वो धरा दी आई थी और उनको पुलिस लेके गई है और तुम्हारी छुटकी भी साथ में गई है। श्वेता से सच जानकर ऋषिता और देव दोनों ही हैरान रह गए। अब देखना होगा कि कैसे दोनों मिलकर धरा भाभी को जेल से छुड़ा कर लाएंगे और श्वेता को फंसाने का दूसरा प्लान बनाएंगे। मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं किसी को भी दूं, क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए, मैं तो बेच के जाने की प्लानिंग चल रही है, मैं भी चाहती हूँ कि किसी को भी दूं पर इन लोगों को नहीं दूंगी, और दूंगी भी तो मैंने उन्हें बोला भी है कि 1 करोड़ में दूंगी, बाकी को तो मैं 10 लाख में भी बेच दूं, बट इन लोगों को 1 करोड़ में दूंगी क्योंकि मुझे पता उनके पास पैसे नहीं है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।